मैं मौजूद हूँ उस जगह पर जहां पर 28 तारीख को दोपहर 2:30 बजे, ये मेरे पीछे आप देखिए ट्विन टावर आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये दो इमारतें जो आपको नजर आ रही हैं भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी ये इमारतें जिसको गिराने का पूरा प्रबंध हो चुका है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम आपको देखिए टॉप एंगल से हम आज तक पर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सोसाइटी चारों तरफ इसके है, और इसीलिए आज बैरिकेड लगाकर अंदर तक जाने का रास्ता, यानी कहां जहां मैं लगातार तीसरे दिन से मैं यहां पर मौजूद हूं, अंदर तक हम जा पा रहे थे लेकिन बैरिकेड लगा दिया गया ताकि पूरे रोड को यहां पर घेर लिया गया है। लोगों को कहा गया है कि वो अपने बालकनी अपने घरों को छोड़कर चले जाए। जो बगल की टावर आप देख रहे हैं इनको 7 बजे सुबह बोला गया है कि अपने घर को छोड़कर चले जाए। रविवार का दिन होगा जब इस इमारत को जो ट्विन टावर आप देख रहे हैं उसे गिराने की तैयारी हो जाएगी, हो गई है पूरी, और संडे को इसको गिरा दिया जाएगा। आप देखिए उस बगल इमारत में भी आपको दिख रहा होगा कि वहां पर कपड़े लगा दिए गए हैं ताकि धूल जो उड़े उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि आप समझिए इतना बड़ा इमारत जो है वो जब ढहेगा तो इसका मलबा जो है उसको साफ करने के लिए वक्त बताया जा रहा है 3 महीने का लंबा वक्त लगेगा इसके मलबे को हटाने के लिए। अब सवाल ये है क्योंकि पहले अपने आप में ऐसा केस भारत में जब इतनी बड़ी इमारत इतनी मंजिला 32 मंजिला ये इमारत जो है जमीन दोज हो जाएगी, वक्त 9 सेकंड का इसमें लगना है, तैयारियां कर ली गई है। आप अगर ध्यान से देखेंगे इस इमारत को तो काले कलर की भी आपको एक पट्टी से नजर आएगी, उसके अलावा एक आपको सफेद कलर की भी बीच में इसको पट्टी नजर आएगी, इसको कवर किया गया है। जहां जहां झटके ज्यादा लगेंगे वहां वहां कोशिश है कि इसको कर दिया जाए ताकि मलबा जो है या धूल जो है जो डस्ट है वो इधर उधर ना जाए, क्योंकि खतरा यहां पर यह है कि बगल में भी इमारत है और उसके बगल में भी अगर आप देखिए टॉप एंगल से हम आपको दिखा रहे हैं उसके बगल में भी इमारत आपको नजर आ रही है, तो ये खतरा बहुत ज्यादा है। अगर थोड़ी सा भी हिस्सा इसका इधर उधर गिरता है तो रिहायशी इलाका है, खतरा वहां पर होगा, लोगों के घर पर होगा। हालांकि इंश्योरेंस की बात कर दी गई है, कोई भी नुकसान होता है तो वो नुकसान यही लोग उठाएंगे। हालांकि जो एजेंसी जिसने ये जिम्मा लिया है इस इमारत को गिराने की वो पूरी तरीके से आश्वस्त है और लोगों को भी आश्वस्त कर रही है कि ताश के पत्ते की तरह वाटरफॉल बोला जा रहा है इसको, वाटरफॉल जैसे धाराशाही होगी ये इमारत, यानी एक भी हिस्सा इधर उधर नहीं होगी, चारों तरफ आप देखिए जल्दी से आपको जरा दिखाएं ये पूरा इलाका, आप देखिए रिहायशी इलाका ही है ये पूरा, यहां पर ये पूरी इमारत आपको दिख रही है इसी के चारों तरफ घेरा, यानी ये जो सड़क आपको सीधे सामने दिख रही होगी इसी के साथ साथ लगी जितनी सड़कें चारों तरफ से इस इमारत को फिलहाल घेर लिया गया है, यहां खतरा और साइन लगा दिया गया है, विस्फोट क्षेत्र बना दिया गया है इसे, और तैयारियां कर ली गई है, इंतजाम परखे और जांचे जा रहे हैं, आला अधिकारी पुलिस के जो है वो मौके पर लगातार पहुंच रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये इमारत क्यों ढहाई जा रही है, ये इमारत इसलिए क्योंकि आप देखिए बाकी सबकी हाइट अगर आप देखें तो यहां से आप बखूबी समझ सकते हैं कि इसकी हाइट कितनी है, जबकि प्लान जो मिलता है जब बिल्डर इस घर को इस पूरे बिल्डिंग को बना रहे थे तब ये कहा गया था कि ये जो एरिया जहां पर आप ये ट्विन टावर देख रहे हैं यहां पर गार्डन होगा, फिर 14 मंजिल बनाने की सहमति बनती है और उसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ते हुए 20-30 और उसके बाद आप इसके सामने इमारत देख रहे हैं। 800 करोड़ की लागत से ये इमारत बनी और करोड़ों की लागत इसको गिराने के लिए भी अब आती हुई नजर आ रही है। एक रिपोर्ट हमने तैयार किया है, कुछ और तस्वीरों के साथ लौटेंगे इस रिपोर्ट पे पहले नजर। घड़ी की टिक टिक के साथ इस ट्विन टावर के जमींदोज होने का वक्त भी करीब आता जा रहा है, और जब से ये बात साफ हुई है कि आने वाला संडे इस बिल्डिंग का आखिरी संडे होगा, दूर दूर से लोग इस बिल्डिंग को करीब से देखने के लिए पहुंचने लगे हैं। 30 और 32 मंजिल की इन दो इमारतों के ये अब आखिरी 48 घंटे हैं। ट्विन टावर के आखिरी 48 घंटे, ब्लास्ट एट ट्विन टावर शुरू हो गया, 48 घंटे का काउंटडाउन। बुलंद इमारत अब बस चंद घंटों की मेहमान है, यानी सिर्फ 2 रात के बाद इस बिल्डिंग के नसीब की रातें खत्म हो जाएंगी। अब जरा इस मंजर को गौर से देखिए, कुछ कुछ ऐसा ही मंजर होगा 28 अगस्त रविवार को दिन के 2:30 बजे। जिस वक्त इस बिल्डिंग को धमाके के साथ उड़ाया जाएगा या यूं कहें इस गगनचुंबी इमारत की छत को जमीन से मिलाया जाएगा, उस वक्त इस बिल्डिंग के चारों तरफ 500 मीटर का दायरा पूरी तरह से जनविहीन होगा।
बात सिर्फ 14 सेकंड की ही होगी, लेकिन वो 14 सेकंड नोएडा प्रशासन और बिल्डिंग गिराने वालों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होंगे। तभी तो नोएडा निजाम की सबसे बड़ी अधिकारी ने खुद मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। नोएडा प्राधिकरण की सीईओ ऋतु महेश्वरी उस एमराल्ड कोर्ट भी पहुंची, जहां स्थानीय लोगों के साथ उन्होंने तमाम तैयारियों के बारे में बताकर लोगों को तसल्ली भी दी। रेजिडेंट्स के मेजर कंसर्न्स थे कि जो पुरानी टावर्स हैं उनमें जहां रिपेयर की आवश्यकता है, स्ट्रक्चरल ऑडिट सुपरटेक ने करा दिया है, वो आज रिपोर्ट देंगे। लगभग 55 कॉलम्स आइडेंटिफाई किए गए थे जिनकी स्ट्रेंथनिंग करनी थी, उसमें से अराउंड 50 की स्ट्रेंथनिंग पूरी हो गई है, बाकी वो कल तक पूरे कर देंगे, ऐसा वो रिटर्न एश्योरेंस दे रहे हैं। क्रैक गॉजेस जो हैं वो क्रैक्स की मॉनिटरिंग के लिए 27 तक लगा दिए जाएंगे, उनका प्री एंड पोस्ट डिमोलिशन डेटा भी एनालाइज किया जाएगा। इसके अलावा एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए भी डिवाइसेस लगाए जा रहे हैं। तो तैयारी जो विभिन्न एजेंसीज हैं उनके द्वारा पूरी कर ली गई है। असल में इन दोनों टावर्स की ऊंचाई बहुत ज्यादा है। इनमें एक टावर 32.5 मंजिल का है और इसकी ऊंचाई लगभग 103 मीटर है, जबकि दूसरा टावर 23.5 मंजिल का है और इसकी ऊंचाई 97 मीटर है। यानी ये दोनों टावर कुतुब मीनार से भी कहीं ज्यादा ऊंचे हैं। दोनों टावर के बीच की दूरी केवल 9.88 मीटर है, जबकि नियम ये है कि दो ऊंची इमारतों के बीच की दूरी करीब 16 मीटर से ज्यादा होनी चाहिए। दोनों टावर्स के कॉलम में कुल 9,640 छेद किए गए हैं, जिनमें 3,500 किलोग्राम बारूद लगाया गया है और 28 अगस्त को दोपहर ठीक 2:30 बजे इनमें विस्फोट किया जाएगा। 5 सेकंड में पहली बिल्डिंग ध्वस्त हो जाएगी। 9 सेकंड के भीतर ही दूसरी सीरीज के धमाके किए जाएंगे। सिर्फ 9 से 14 सेकंड में ये दोनों टावर्स ध्वस्त हो जाएंगी। बिल्डिंग को बनाने में गणित और भौतिक विज्ञान के सूक्ष्म तत्वों की जितनी मदद ली गई, उससे ज्यादा इसे ध्वस्त करने में लेनी पड़ रही है। 28 अगस्त को ठीक 2:30 बजे कुछ इसी तरह ध्वस्त हो जाएगा ट्विन टावर। आशुतोष मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, नोएडा, आज तक। तो 800 करोड़ की लागत में मेरे पीछे ट्विन टावर जो आप देख रहे हैं इसका निर्माण हुआ था। हालांकि भ्रष्टाचार की नींव थी, इसीलिए आज ये नींव इसको जड़ से खत्म करने की तैयारी यहां पर चल रही है। लेकिन समझिए 3700 किलो यहां विस्फोटक इस्तेमाल हो रहा है, करीब 9000 छेद हुए जिनमें विस्फोटक भरे गए हैं और पूरी प्लान जो है वो तैयार कर लिया गया है और भरोसा आश्वासन कह लीजिए ये दिया जा रहा है जिसको ये जिम्मा सौंपा गया है कि किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन आप अगर कल्पना करिए ये इमारत आपके घर के बाहर बगल में अगर ऐसे लगी हो, क्योंकि 9 मीटर का जो दायरा होना चाहिए, जो 9 मीटर का गैप होना चाहिए, वो 9 मीटर का गैप इन दो बिल्डिंग में अगर आप देख रहे हैं तो नहीं है, 16 मीटर का होना चाहिए, 9 मीटर का ही केवल यहाँ पर गैप है। क्लियर कर दूं। यहाँ पर दूसरी तरफ आप देखिए ये इमारत आप सुपरटेक की जो देख रहे हैं और दूसरी तरफ वो जो आप एक तस्वीर देख रहे हैं, उधर दूर जरा दिखाइए, वहां पर वो चादर से ढका हुआ आपको नजर आ रहा होगा, उनके बीच में भी बहुत कम स्पेस है। अगर एक भी मलबा या इमारत या कॉन्क्रीट, क्योंकि पूरा बना हुआ है, कुछ भी अगर इसका एक टुकड़ा भी कहीं पर गिरता है तो वो नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन यहाँ ये भी कह दिया गया है कि जो शीशे हैं कांच के या आपकी खिड़की के दरवाजे या जो खिड़की दरवाजे हैं या कांच का जो वो इसके आवाज से, इसकी जो एयर के दबाव बनेगा उसकी वजह से वो टूट सकता है, उसको नुकसान हो सकता है, ये बात कह दी गई है। लेकिन अब जल्दी से एक तस्वीर बहुत दिलचस्प है, जरा देखिए, अपने कैमरामैन कृपाल से कहूंगी जरा दिखाइए, वो देखिए लोगों ने क्या किया, खुद से ही एहतियाती तौर पर उनको ढकना भी शुरू कर दिया है, कहीं कागज लगा दिया, क्योंकि जो आपके एसी वाला जो बाहर का आपका वो जगह होती है वहां पर भी लोगों ने पन्नियों से ढक दिया है, एयर बबल, कुछ कुछ इंतजाम वो खुद भी कर रहे हैं क्योंकि डरे हुए हैं, उनको लग रहा है कि अगर एक छोटा हिस्सा भी के घर पर आकर गिरता है तो वो नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए लोग खुद भी डरे हुए हैं। सुबह 7 बजे तक उनको बोला गया है कि वो अपना घर छोड़ दें, शाम को उसके बाद 4-5 बजे के तरफ बोला गया है कि आप आ सकते हैं वापस और यहां रह सकते हैं। अब इससे जुड़े हुए या पूरी जो स्पेस देख रहे हैं यहां, ये तो बंद रहेगा, ये सड़क जो आप सामने मेरे देख रहे हैं ये भी एहतियाती तौर पर बंद कर दिया जाएगा आज शाम को 4:30 बजे। दरअसल आला अधिकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं इसी बाबत कि किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम हो रहे हैं और क्या एहतियाती कदम उठाने हैं उसको लेकर। एक्सप्रेस वे पे जो लोग ट्रेवल करते हैं उनके भी जानकारी दे दूं कि 2:15 बजे इससे बताया जा रहा है 2:45 तक, यानी आधे घंटे एक्सप्रेसवे भी बंद रहेगा। अब इसमें कोई परिवर्तन अगर होता है तो वाला अधिकारी आगे जो है वो आपको जानकारी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो बताएंगे कि कौन सी रोड कितनी देर के लिए बंद रहेगी, आसपास के लोगों के लिए क्या कहा गया है। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि जो बालकनी आप देख रहे हैं, जो लोगों के घर आप देख रहे हैं, टेरिस देख रहे हैं, वहां पर भी लोगों को बोला गया है कि उस दिन नहीं आए, अगर आएंगे तो उन पर भी कार्रवाई होगी। तो इस तरीके की बातें भी सामने आ रही हैं, इस पर तस्वीर क्लियर होगी, 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। लेकिन लोग कितने सहमे और डरे हुए हैं उससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
दिल्ली के कुतुब मीनार से भी ऊंचा नोएडा की सुपरटेक ट्विन टावर संडे की दोपहर को ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। सिर्फ 10 सेकंड तक बारूद का धमाका होगा और अगले 14 सेकंड के भीतर ये ऊंची मीनार धूल के गुबार से होती हुई जमीन पर धराशायी हो जाएगी। गिरते गिरते ये ट्विन टावर भी एक इतिहास रच जाएगी। इतिहास रचने वाली है ट्विन टावर, ध्वस्त की जाने वाली भारत की सबसे ऊंची इमारत, सबसे ज्यादा बारूद से गिराई जाने वाली बिल्डिंग। ट्विन टावर को मटियामेट करने के लिए 3,700 किलोग्राम से ज्यादा बारूद बिल्डिंग में लगाया गया है। जो रूपरेखा तय की गई है उसे फाइनल अब यहां पर मुहर लगनी बाकी है। आप देख सकते हैं जो तमाम लोग हैं वो अब इसको फाइनल रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। जो जिन लोगों को यहां से करीब 7,000 ऐसे परिवार हैं जिनको उस दिन शिफ्ट किया जाना है उसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। तो यहाँ पर जो तमाम अधिकारी पहुंचेंगे वो ये देखेंगे कि जो भी चीज पहले बात हुई थी उनमें से कितना काम रह गया है। तो अभी तक की जानकारी के मुताबिक सारी तैयारियां हो चुकी हैं, अब सिर्फ मुहर लगना बाकी है और उसके बाद जिस तरीके से जो टाइमलाइन तय की गई है उसके हिसाब से शनिवार शाम के बाद कार्रवाई शुरू की जाएगी। जाहिर है बिल्डिंग को गिराते वक्त नोएडा के निजाम ने बड़ी एहतियात बरती है, खासतौर पर ट्विन टावर के आसपास की सोसाइटीज में रहने वाले लोगों के लिए बाकायदा गाइडलाइन भी तैयार की गई है क्योंकि डी डे वाले रोज उनके लिए खासतौर पर हिदायतें जारी की गई हैं। तो सुबह 7 बजे इमर्ड कोर्ट के निवासी सोसाइटी खाली कर देंगे। सुबह 7:10 पर सिक्योरिटी टीम पूरी बिल्डिंग का मुआयना करेगी। सुबह 7:20 पर पूरी बिल्डिंग की बिजली काट दी जाएगी। सुबह 7:30 लिफ्ट बंद कर दी जाएगी और पानी की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। शाम 4:30 लिफ्ट दोबारा चलनी शुरू होगी। शाम 5 बजे तक पानी और बिजली की सुचारू सप्लाई शुरू होगी। सब कुछ ठीक रहा तो इसके बाद यहाँ के निवासी अपने अपने घर लौट आएंगे। ये ठीक है कि शाम तक लौटने की इजाजत दे दी जाएगी लेकिन धूल और धुएं के गुबार में शायद ही कोई उस दिन लौटे। दिन पहले हम लोग शिफ्ट होंगे यहाँ से। RW का कहना तो ये है कि अर्ली मॉर्निंग 7 हम लोग शिफ्ट हो सकते हैं, बट हम लोग अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग एक दिन पहले ही शिफ्ट हो जाएंगे एंड 28th को भी नहीं होंगे, 29th की इवनिंग में हम लोग आएंगे वापस। जब आप बिल्डिंग के भीतर आते हैं तो ये देखिए कितनी नज़दीक की, जो सबसे बड़ी फिक्र थी वो क्यों थी, ये जो काली थैली में आप जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर यही है वो ट्विन टावर, ये गिरना है और वहां से मेरे बीच की दूरी अगर आप देखेंगे तो महज कुछ मीटर ही है जहां पर मैं खड़ा हूं। नीचे आप देखिए ये बड़े बड़े कंटेनर लगाए गए हैं ताकि जब मलबा नीचे गिरेगा, अभी समझिए कि 30 मंजिला इमारत जब नीचे गिरेगी तो ढेर सारा मलबा आएगा, वो मलबा जो हॉरिजॉन्टली ना फैले उसको रोकने के लिए यहां पर आप देखिए बड़े बड़े कंटेनर लगाए गए हैं। देखिए बस सिर्फ इतना ही नहीं है कि क्या हिदायत मिली RW से, हाँ सामान बचाने के लिए हम जैसे TV को पलंग के ऊपर उल्टा लटाएंगे, जितनी ये वॉल हैंगिंग्स है ये सब हटा देंगे और अपने घर को हम पॉलीथीन से कवर भी कर रहे थे। एडिफिस वाले भी कह रहे हैं कि जो हमारे ग्लासेस वगैरह अगर इनकेस अगर टूटते हैं तो वो रिप्लेस करके देंगे। इसी बीच जिस वक्त ट्विन टावर में धमाका किया जाएगा उसके अगले कई मिनटों तक बिल्डिंग के चारों तरफ धूल और धुएं का गुबार ही नजर आएगा। धूल का गुबार कितनी दूर तक जाएगा इसका अनुमान रविवार को चलने वाली हवा की रफ्तार और दिशा पर निर्भर करेगा। 103 मीटर ऊंची इमारत गिरने से भारी मात्रा में धूल का प्रदूषण होगा और धमाके से जबरदस्त शोर पैदा होगा जिससे कंपन भी हो सकता है और आसपास की बिल्डिंग पर उसका असर भी पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर आपने देखा लोगों को दहशत तो है, डर भी है क्योंकि जो धूल का गुब्बार उस दिन उठेगा इतनी बड़ी है, जब इमारत ढहेगी तो अंदाजा आप लगा सकते हैं किस तरीके की दिक्कत है, क्योंकि आप लोग आसपास रहते हैं और इतनी बड़ी इमारत कल्पना की थी कभी ऐसा कुछ देखने मिलेगा इतने यहाँ? नहीं, नहीं, हम लोग तो पहली बार इतनी बड़ी इमारत कोई देखेंगे जो गिर रही हो। और सबसे ज्यादा दिक्कत है कि जो हम लोगों ने इसके वीडियोस भी देखे पुराने कई बिल्डिंग गिरते हुए जो धूल उड़ेगा
तो वैसे ही कोविड के बाद लोगों के फेफड़े कमजोर हो गए, तो डर इसी बात का है कि धूल से पता नहीं कितने दिनों बाद। ये तो कह रहे हैं कि बहुत हमने ट्रक लगवा दिए हैं, इंतजाम पूरे हैं, जल्द से जल्द मलबा हटा लेंगे, धूल वगैरह के लिए भी उम्मीद कर रहे हैं कि बारिश हो जाए तो धूल से राहत। हाँ, भगवान से यही है कि अगर बारिश हो जाए तो उस दिन राहत है, वरना धूल तो उड़ना ही उड़ना है। बिल्डिंग छोटी सी गिरती है तो इतना धूल उड़ जाता है, इतनी बड़ी बिल्डिंग में तो उड़ेगा उड़ेगा। आपने कभी कल्पना की थी इतनी बड़ी इमारत, आपको लग रहा है कि जैसे दावा किया जा रहा है वैसे ही गिरेगी, क्योंकि आसपास भी इमारतें हैं? मैम काफी मुश्किल है, लेकिन देखो क्या होता है, क्योंकि इतने आसानी चीज है नहीं है जो बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत पास में बिल्डिंग है, इस वजह से अब देखो ये पहली बार हो रहा है यहाँ पे, तो इस वजह से कोई ये नहीं 100% ऐसा होगा, पर देखो बहुत ज्यादा खतरा है यहाँ पे, हम भी रहते हैं डरे हुए हैं, बहुत ज्यादा धूल मिट्टी इतनी हो जाएगी जिसको हद नहीं, सांस लेने में प्रॉब्लम है बहुत लोगों को, यहाँ पे रहते हैं हमारे यहाँ पे मकान में, लेकिन वो ये इंतजाम अभी लग नहीं रहे हैं, कोई ऐसे इंतजाम है यहाँ पे। अच्छा, बोला गया आप लोगों को कि आप उस दिन बालकनी में नहीं आ सकते, या यहाँ पर भी बोला गया आप लोगों को घर छोड़ के जाने के लिए? घर छोड़ने जाने के लिए बोला है, यहाँ पर भी इतनी दूर पे भी, ये तो था कि अगल बगल की जो इमारतें उनको खाली कराने के बाद बोल के गए थे, लेकिन अभी 100% तो नहीं है, एक दो वैसे कह के गए थे रोड से, ऊपर नहीं आए थे, अब देखो इसमें क्या होता है। तो मतलब अगर आप लोगों को खाली करने के लिए कहते हैं तो कहाँ जाएंगे आप, और कब बोला है फिर, कितने घंटे के लिए दूर रहना है? अभी ऐसा नहीं बोला कि इतने घंटे के लिए होना है, लेकिन वो है जाएंगे कहाँ ये अभी तक हमें भी प्लान अभी तक हमने करा नहीं है। तो देखिए, कुछ लोगों ने अपने वीकेंड का प्लान बना लिया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मन में यही सवाल है कि जो धुआं उठेगा गुब्बार एक तरीके से, उससे कैसे बचेंगे, क्योंकि ये हफ्ते 10 दिन आपको ऐसे ही झेलना पड़ेगा। उसके अलावा घर भी खाली करने के लिए कहा गया है, लोग इंतजाम करने में लगे, या तो अपने रिश्तेदारों के यहाँ, या फिर 2-4 घंटे के लिए कहीं और जाने के लिए, इस समय देखिए कोशिशें चल रही हैं।